नमस्कार, मैं हूं सप्रा पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं व्यवसाय पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस पर मसूरी के आम लोगों का कहना है कि इससे बेहतर तो लॉकडाउन ही लगा दिया जाता तो कोरोना के बढ़ते प्रभाव और संक्रमण पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती थी। इस पर समाज सेवी पंडित मनीष गोनियाल कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि कुछ समय के लिए आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाए और उसके बाद पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कराया जाए। तो वहीं होटल व्यवसायी अजय हंडा कहते हैं कि सभी टैक्सों पर रियायत दी जाए और बिजली पानी के बिलों को भी माफ किया जाए। आइए पूरी खबर जानते हैं मसूरी से हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिंह की इस रिपोर्ट में। जिस तरीके से सरकार के नियम और कायदे कानून को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, लोगों का कहना है कि यदि सरकार कंप्लीट लॉकडाउन कर दे तो ज्यादा बेहतर होता, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये हमारे उत्तराखंड का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। जो हमारे गरीब भाई बंद हमारे पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए तो नियम 2 बजे तक है, और दूसरा जो ये शराब माफिया हैं, शराब माफियाओं को 7 बजे तक की जो अनुमति दे रखी है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और मेरा तो कहना ये है कि अगर ये लॉकडाउन लगाना ही चाह रहे हैं तो ये पूरे हफ्ते भर के लिए सभी के लिए नियम अनुसार लॉकडाउन लगा दिया जाए। इसमें किन किन चीज़ों को छूट देनी चाहिए? इनमें तो मेरा कहना ये है, जैसे फल सब्जी वाले हैं और केमिस्ट की दुकान है और ये दूध दही वाली दुकान है, इनको 11 बजे तक की छूट दी जानी चाहिए। लॉकडाउन को लेकर क्या प्रक्रिया आपकी? जिस तरीके से देहरादून और पूरे प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और जो है सरकार के पास वेंटिलेटर की कमी है, जो गैस है उसकी कमी है, और तो उसके बारे में लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो हमारे डबल इंजन की सरकार है, जो ये उसी उसमें आना चाहिए था। जैसे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए था स्थिति के उसमें, और इसमें जो देहरादून की आज की डेट में स्थिति है वो बहुत ही खराब है। इसमें आम जन गरीब जन लोग मारे जा रहे हैं, इसमें मृत्यु दर की भी ज़्यादा, इसमें कोरोना से मृत्यु हो रही है। लगातार कुंभ को लेकर भी उत्तराखंड खासा चर्चाओं में रहा है कि कोविड के कारण जो है कुंभ में भी जो स्नान हुए हैं उसको लेकर भी कोरोना के उसमें बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनको पहले से ही सलाह देनी चाहिए थी हमारे मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ उत्तराखंड में जो हरिद्वार में जो कुंभ शाही स्नान था उसमें खाली 3 अखाड़े जो हमारे हरिद्वार में हैं उन्हीं को शाही स्नान की अनुमति देनी चाहिए थी, और जो भारी व्यक्ति अखाड़े जो भारी से आए उनकी बिना जांच के अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, और अगर ये उन्हें अनुमति ना देते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मंसूरी एक पर्यटक नगरी है, टोटल डिपेंडेंट हम पर्यटक पे ही रहते हैं। जिस हिसाब से लोग कोरोना की लहर दोबारा से देश में आई है, इसके लिए पर्यटन पे तो बहुत बुरा असर पड़ा है। मंसूरी के व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं, होटल बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, जो खुले हैं वहाँ ग्राहक नहीं है। साप्ताहिक ही आज संडे का बंद किया है घोषणा, लेकिन बाज़ार तो पूरा संपूर्ण रूप से बंद है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत घातक रहेगा मंसूरी शहर के लिए, मंसूरी पर्यटन के लिए, मंसूरी के निवासियों के लिए। होटल व्यवसाय, टैक्सी व्यापार सब कुछ चौपट हो चुका है। कोरोना की लहर को देखते हुए मैं एक यही अपील करना चाहूँगा जनमानस से कि अपना ध्यान रखें और कम से कम आवाजाही रखें ताकि इससे हम लड़ सकें। सर, पर्यटन की बात करें तो पर्यटन की पूरी तरह कमर टूट गई है, लोग फिर से प्लान करने लग गए, जो लोग आए भी थे थोड़े बहुत काम करने के लिए वो वापसी कर रहे हैं। जी, पर्यटन में मंसूरी में जितने होटल व्यवसाय हैं, रेस्टोरेंट हैं, आज समीपवर्ती गांव से लोग आते हैं यहाँ पे व्यापार अपना नौकरी करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से वापस गांव जा चुके हैं क्योंकि यहाँ मंसूरी के अंदर कुछ नहीं बचा है, पूरी तरह से चौपट हो चुकी है पर्यटन नगरी। थैंक यू सर।